10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal P1 here tracking. We have a majestic lift off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LBM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. S-200 strap-on boosters का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, payload fairing को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है।